हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आरबीटी लर्निंग चैनल। तो जैसे हमारा टॉपिक करंट अफेयर्स है, मैं के जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स हैं वो लेक्चर में कवर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन था कि बिहार गर्ल ज्योति कुमारी हैड साइकिल्स मोर देन हाउ मैनी किलोमीटर्स फ्रॉम गुरुग्राम टू हिज टाउन बिहार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, दैट इज़ 1200 किलोमीटर ने वो साइकिलिंग करके अपने टाउन गई, अपने इंजर्ड पापा को उसने पहुंचाया और वहां पे पहुंच के उसको बहुत सारी फैसिलिटीज़ एंड ऑन भी मिला बहुत ज़्यादा। इसका राइट आंसर बी है। आज का क्विज क्वेश्चन है, कश्मीर इज़ फेमस फॉर विच ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रोडक्ट। अभी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है, कोई भी जो भी सिटी है या स्टेट है वो वहाँ पे कोई ना कोई कुछ फेमस थिंग्स रहती है, कुछ प्रोडक्ट्स रहते हैं जो वहाँ पे फेमस रहते हैं। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि दार्जिलिंग की फेमस है टी, तो वो वहाँ का क्या बन गया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बन गया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रोडक्ट बन गया। तो वैसे ही लेटेस्ट अभी अभी कश्मीर को कौन से प्रोडक्ट, कश्मीर का कौन सा प्रोडक्ट को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रोडक्ट बोला गया है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके आंसर ज़रूर बताएं। ऑप्शन ए है कैशिव नट, बी है एलमंड्स, सी है वॉलनट, डी है सेफ्रॉन यानी कि। तो कौन सा आंसर राइट है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। विच स्टेट CM सेड दैट टेस्टिंग ऑफ COVID-19 एंड कैरी नेगेटिव सर्टिफिकेट ऑफ टेस्ट मैंडेटरी फॉर ऑल द पर्सन हु एंटरिंग इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो स्टेट के CM ने बोला था, सेड आएगा, बोला था कि अगर आप स्टेट में आ रहे हो तो आपको क्या कैरी करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट कैरी करना पड़ेगा कि आप नेगेटिव हो, आपकी कोविड नेगेटिव है। तो ऐसे कौन से स्टेट ने बोला है, कौन से स्टेट के CM ने बोला है, ए है गोवा, बी है गुजरात, सी है केरला, डी है पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, गोवा। गोवा स्टेट के CM ने बोला था कि आपको सर्टिफिकेट कैरी करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा इफ़ आप यहाँ पे टूरिज्म करने आओगे या क्या जो भी है। तो लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन था, मैंने लेक्चर में बताया था कि जो गोवा स्टेट है ना उसको SOP फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि कोई भी स्टेट में अगर किधर भी डिजीज़ हैं तो वो डिजीज़ की क्या प्रिवेंशन है, क्या है, वो सब फॉलो करने पड़ेंगे। तो इसको SOP फॉलो करना पड़ा था, ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। तो वही है, ये इस बार अभी CM ने बोला कि सर्टिफिकेट भी बताना पड़ेगा इफ़ आप यहाँ पे टूरिज़्म के लिए आओगे या क्या। तो वो कौन सा स्टेट है, गोवा स्टेट, राइट आंसर है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ ज्वाइन हैंड विद मास्टर कार्ड टू डेवलप इट्स स्पेशल टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो किस बैंक ने अपने मास्टर कार्ड से हैंड ज्वाइन किया, यानी कि उससे पार्टनरशिप करके वो स्पेशल सॉल्यूशन, मींस कस्टमर्स को स्पेशल सॉल्यूशन प्रोवाइड किए। तो कौन सी ऐसी बैंक है, रिलायंस पेटीएम बैंक, वोडाफोन पेटीएम बैंक, सी एयरटेल पेटीएम बैंक, डी आइडिया पेटीएम बैंक। तो एयरटेल ने डिसाइड किया कि वो अपना हैंड ज्वाइन करेगी किनके साथ, मास्टर कार्ड के साथ, क्योंकि वो अच्छे से सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाए किनको, कस्टमर को। ये हेल्प करेगा कस्टमर को इजीली अपने पेमेंट्स वगैरह इजीली कर पाएँ, इजीली रिसीव कर पाएँ, तो ये बहुत हेल्पफुल आएगा। इसीलिए एयरटेल पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ पार्टनरशिप ज्वाइन की, तो सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 मई 2020 हु हैड अनाउंस द पार्टनरशिप विद ICICI बैंक टू ऑफर रिटेल फाइनेंस स्कीम टू इट्स कस्टमर्स। अभी कौन सी ऐसी किसने अनाउंस किया था विद वो पार्टनरशिप करेगी ICICI बैंक के साथ, जैसे वो कस्टमर्स को यहाँ पे भी वो कस्टमर्स को क्या देना चाह रहे हैं, फ़ायदा देना चाह रहे हैं, अपने कस्टमर्स को बढ़ाने के लिए वो अपना अपने पार्टनरशिप करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं बिज़नेस को। तो ऐसा कौन सी कंपनी है या क्या, ए है टाटा मोटर्स लिमिटेड, बी है फ़ोनपे, सी है पेपल, डी है
मारुति सुजुकी। जो उसका राइट आंसर है वो है डी, मारुति सुजुकी ने ऐसा डिसाइड किया कि ICICI बैंक के साथ वो पार्टनरशिप करेंगे। एंड जो फ़ोन पे था, जो फ़ोन पे है ना, उन्होंने लास्ट टाइम इनके साथ पार्टनरशिप की है। तो इसका बट राइट आंसर अभी 26 मई को जो इनका पार्टनरशिप हुआ था ICICI बैंक का, वो मारुति सुजुकी के साथ हुआ था। ये भी क्यों, ये भी कैसे कस्टमर्स को क्या हो जाए, इजीनेस हो जाए, सपोर्ट मिल पाए, EMI वगैरह कुछ पे कर रहे हैं तो उनको सपोर्ट मिल पाए, इसके वजह से मारुति सुजुकी ने ICICI बैंक के साथ रिटेल फाइनेंसिंग स्कीम करके अपने कस्टमर्स को क्या दिया, बेनिफिट्स देने चाहिए। तो डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इन एफर्ट टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू माइग्रेंट वर्कर, विच स्टेट CM अनाउंस टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी टू देम। अभी कौन से स्टेट ने डिसाइड किया है कि माइग्रेंट वर्कर को वो क्या देंगे, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, एम्प्लॉयमेंट्स देंगे, सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, तो कौन से स्टेट ने डिसाइड किया, ये डिसाइड किया है उत्तर प्रदेश ने। तो इसका राइट आंसर है बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में डिसाइड हुआ है कि वर्कर्स को एग्रीकल्चर्स एंड नॉल सेक्टर्स में उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाएगी। एंड उसके बाद डायरी वगैरह की जो फर्म है या कुछ भी है वहाँ पे उनको क्या, उनको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाएगी। तो मध्य प्रदेश ने डिसाइड किया है, तो इसका आंसर है बी। हु मेड ब्रीथेबल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE किट नेम्ड नव रक्षक फॉर कम्फर्ट टू हेल्थ केयर वर्कर्स वर्किंग अगेंस्ट कोविड। तो कोविड के अगेंस्ट जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको ब्रीथेबल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए गए, तो वो किसने प्रोवाइड करके दिए हैं। ए है इंडियन नेवी, बी है इंडियन आर्मी, सी है इंडियन एयरक्राफ्ट, डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, इंडियन नेवी ने ये प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स प्रोड्यूस किए, बनाए एंड वो प्रोवाइड किया जो वर्कर्स काम कर रहे हैं अगेंस्ट कोविड के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि हमारा इंडिया सेकेंड रैंक पे है ये जो PPE प्रोड्यूस करने में, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स प्रोड्यूस करने में हमारा इंडिया सेकेंड रैंक पे है। एंड जो फर्स्ट पे है वो चाइना था, तो सेकेंड पे हमारा इंडिया है। एंड इंडियन नेवी ने भी अब ब्रीथेबल यानी बहुत कंफर्टेबल जो किट्स हैं वो प्रोवाइड की हैं इन जो वर्कर्स हैं उनको, तो इजीली वो क्या कर पाएँ, इजीली कंफर्टेबली वर्क कर पाएँ। तो ए राइट आंसर है। यही था इस लेक्चर में, फिर मिलेंगे और न्यू लेक्चर के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू।